सत श्री अकाल, जय जवान, जय किसान। सभी पशुपालक भाइयों को और सभी किसान भाइयों को तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि पशु जब ब्याता है, ब्याने से 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन पहले जो फूल पीछा दिखाने लग जाता है, तो उससे किसान को बड़ा नुकसान होता है और कई बार वो ठीक भी नहीं होता। तो हम जो पशु ब्याने वाला है, ब्याने से पहले, बच्चा देने से पहले जो फूल पीछा दिखाता है, उसका इलाज बताएंगे। और एक होता है ब्याने के बाद, बच्चा देने के बाद जो पशु फूल पीछा दिखाता है, उसका इलाज अलग होता है। उसकी वीडियो हमने पहले डाली हुई है, आई बटन में जाकर के दे सकते हो या अपने डिस्पेक्शन में जाकर के दे सकते हो, वहाँ पर हम लिंक लगा देंगे, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। जो पशु फूल पीछा बच्चा देने के बाद जो फूल पीछा दिखाती है, तो वो देख सकते हो। जो पशु फूल पीछा बच्चा देने से पहले दिखाती है, उसका क्या इलाज करें, तो उसका आयुर्वेदिक इलाज है वो देखिए आज हम आपको बताएंगे। इसमें कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है। देखिए सबसे पहले ये बीज देखिए आप, इसको बोलते हैं सत्यानाशी। सत्यानाशी के बीज होते हैं ये, तो ये बड़ी आसानी से पंसारी के पास मिल जाएंगे। 500 ग्राम आपको सत्यानाशी के बीज लेकर के आने हैं। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं, सेल खड़ी, सेल खड़ी का एक पाउडर आता है, ये भी पंसारी के पास बड़ा आसानी से मिल जाता है, बड़ी आराम से। ये देखिए, ये इस तरह का पाउडर होता है, एक पत्थर नुमा सा और बड़ा चिकना होता है ये। तो ये सेल खड़ी का पाउडर आता है, ये आप पंसारी के पास, ये बड़ा आराम से मिल जाता है। अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से जानते हैं, आप गूगल पर जाके सर्च मार लें, वहाँ पर आप देख लें इसकी फ़ोटो वगैरह। तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, तो देखिए तीसरे नंबर पर नौसादर, ये बड़ा आसानी से पंसारी के पास मिल जाता है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो चौथी चीज़ है देखिए कलमी सोरा, ये भी पंसारी के पास बड़ा आसानी से मिल जाता है, कलमी सोरा। ये चार चीज़ें होगी, देखो ये चारों चीज़ें आपको ले आकर के इनको अलग अलग कूट करके इन सबको मिला लें। 100 ग्राम की 8 फुड़िया बना लें, टोटल 8 फुड़िया। और 300 ग्राम आप पानी ले लें, पानी लेकर के उसके अंदर 100 ग्राम की जो पुड़िया आपने बनाई है वो मिला करके अपने पशु को सुबह और शाम लगातार दें, 8 खुराक बना करके, तो पशु का जो फूल पीछा है वो बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है। कई पशुओं के हमने अपने डेयरी फार्म में इलाज किया है। मूल्यों को देख करके आप अपने पशु के अंदर अगर फूल पीछा दिखाने की दिक्कत है, उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा और पशुपालकों तक और किसान भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि अगर किसी भी किसान भाई का, पशुपालक भाई का अगर पशु फूल पीछा दिखा रहा है और उसका पशु ठीक हो जाता है, तो उसको बड़ी खर्चे से बचेगा और पशु ठीक हो जाएगा और किसान को, पशुपालक को नुकसान होने से बच जाएगा। तो दोस्तों सभी पशुपालक भाइयों को और सभी किसान भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल, जय जवान, जय किसान।